अब मजीद जान लेते हैं मार्केट वैल्यू रेशियोज के बारे में तो जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में हम मार्केट वैल्यू रेशियोज को डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट वैल्यू रेशियोज ऐसी रेशियोज होती हैं जिनके थ्रू कंपनी ये इवेल्युएट कर सकती है कि कंपनी की शेयर की क्या प्राइस है जो आम आवाम ने जो जनरल पब्लिक ने होल्ड किए हुए हैं उसके अलावा हमने कुछ मार्केट वैल्यूज की टाइप्स देखी थी जिनमें बुक वैल्यू पर शेयर डिविडेंड यील्ड अर्निंग पर शेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर प्राइस अर्निंग रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो जिनमें से जो फर्स्ट टू रेश बुक वैल्यू पर शेयर और डिविडेंड यील्ड इसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे अब हम अर्निंग पर शेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर प्राइस अर्निंग रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो अब इस वीडियो में वन बाय वन हम इन चारों रेशियोज को डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले आ जाएगी अर्निंग पर शेयर अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो ये एक ऐसी रेशो होती है जिसमें कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को कॉमन कॉमन शेयर्स के साथ नंबर ऑफ शेयर्स पर डिवाइड कर लेती है और इस रेशो से कंपनी को पता क्या चलता है कंपनी इस रेशो को क्यों यूज करती है तो कंपनी अर्निंग पर शेयर की रेशो को इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि कंपनी को यह पता चल सके कि एक शेयर पर कंपनी कितने पैसे कमा रही है तो अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स पर डिवाइड करती है अब यहाँ पे मजीद एक और जो पर्पज है जिसके लिए कंपनी अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करती है वो है कि कंपनी कॉरपोरेट वैल्यू मतलब कंपनी की वैल्यू पता चल जाती है कि कंपनी की मार्केट में कितनी वैल्यू है अर्निंग पर शेयर के थ्रू ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं अब अर्निंग पर शेयर को ईपीएस बी कहा जाता है और इस ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें नेट इनकम लेस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स एट ईयर एंड इस फार्मूले के थ्रू हम अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो वन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज का दिया गया है

और नंबर ऑफ शेयर्स हमने लेने हैं साल के आखिर पे जितने भी शेयर्स होंगे उनको यहाँ पे हमने लिखना है अब अगर हम इस अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो सकती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो वन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज का है जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ से हम जीरो को लेस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ जो कि एटी थाउजेंड शेयर है और जब हमने इसको कैलकुलेट करना है ये आ जाएगा 1.25 पॉइंट अर्निंग पर शेयर इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी अपने एक शेयर पर 1.25 पॉइंट अर्न कर रही है या कमा रही है अब कंपनी के लिए ये रेशो एफिशिएंट है या नहीं है इसका हमें कैसे पता चलेगा या हम इस रेशो को एनालाइज कैसे करेंगे कि अगर कोई और कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है सेम नेचर ऑफ बिजनेस की तो यहाँ पे हम उसके अर्निंग पर शेयर से करेंगे इसको कंपेयर लेट सपोज के एक कंपनी है एबीसी कंपनी है कोई और उस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो है टू टू वन रुपीज पर पर शेयर तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है इसका 1.25 अगर आ रहा है तो ये जो अर्निंग पर शेयर है ये सही नहीं है क्योंकि एबीसी अगर इसकी कम्पिटेटिव कंपनी है तो उसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा है इसी तरह से इस अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर की अर्निंग पर शेयर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेट सपोज कि ये अर्निंग पर शेयर 2020 की है और 2019 में जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 0.89 पॉइंट अब हम देख सकते हैं कि कंपनी ने लास्ट ईयर से अभी इम्प्रूव किया है लास्ट ईयर से ज्यादा उसकी अर्निंग पर शेयर है तो इस तरह से अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करने के हमारे पास दो या दो से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं अब हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं जो के है मार्केट वैल्यू पर शेयर ये रेशो क्या ये रेशो किस चीज को डिफाइन करती है ये रेशो बेसिकली कंपनी को ये बताती है कि कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू की बेसिस पर हर शेयर की ईच शेयर की करंट प्राइस क्या है तो एक शेयर की करंट प्राइस को जानने के लिए कंपनी मार्केट वैल्यू पर शेयर का इस्तेमाल करती है इस मार्केट वैल्यू पर शेयर से कंपनी को स्टॉक के ट्रेंड का भी पता चलता है अब यहाँ जो स्टॉक है ये हम शेयर्स को कंसीडर करेंगे कि शेयर के प्राइस का क्या ट्रेंड है अगर मार्केट वैल्यू ऊपर जा रही है तो इसको हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है और अगर नीचे आ रही है तो इससे हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है अब यहाँ पर इस मार्केट वैल्यू पर शेयर को हम एक फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से क्योंकि हमें एक शेयर के लिए चाहिए तो इसलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर हम इसको डिवाइड कर देंगे अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मार्केट वैल्यू आ रही है कंपनी की वो आ रही है थ्री मिलियन रूपीज जबकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ ऊपर हमें अवेलेबल है जो कि हम देख सकते हैं कि एटी थाउजेंड शेयर तो अब हमने करना क्या है कि इस थ्री मिलियन रूपीज को जो कि मार्केट वैल्यू है टोटल इसको डिवाइड कर देंगे एटी थाउजेंड नंबर ऑफ शेयर से तो ये आ जाएगा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव रुपीज अब अगर हमने इसका एनालिसिस करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं कि कंपनी के शेयर की पार वैल्यू है टेन रूपीज लेकिन अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो वो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव रुपीज की है इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है पार वैल्यू से तो ये कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया तो यहाँ पे अगर मार्केट वैल्यू शेयर की ज्यादा हो रही है तो जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और इसी तरह की कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ तक हमने मार्केट वैल्यू रेशो को भी देख लिया है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइस अर्निंग रेशो के बारे में अब अगर प्राइस अर्निंग रेशो की बात की जाए तो प्राइस अर्निंग रेशो एक ऐसी रेशो होती है जो कि कंपनी की शेयर प्राइस और अर्निंग पर शेयर को एक दूसरे के साथ रिलेट करवाती है इस रेशो को कंपनी इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि कंपनी को ये पता चल सके कि मार्केट प्राइस की बेसिस पर कंपनी एक शेयर पर कितना अर्न करके दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को प्राइस अर्निंग जो है इसमें इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्होंने मार्केट प्राइस की बेसिस पर कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है और अगर उनकी अर्निंग मार्केट प्राइस की बेसिस पर ज्यादा होती है तो कंपनी इसके थ्रू इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा सकती है तो यहाँ पे अगर प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो उसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट के कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर के साथ अब अगर हम देखें तो ऑलरेडी हम मार्केट प्राइस पर शेयर को भी और अर्निंग पर शेयर को भी कैलकुलेट कर चुके हैं तो अगर मार्केट प्राइस पर शेयर देखी जाए तो वो हमारे पास 37.5 आ रही है जबकि अर्निंग पर शेयर वन पॉइंट आ, आ रही है तो अब जब थ्री पॉइंट सेवन फाइव को वन पॉइंट टू फाइव के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री इसका मतलब हो गया कि थर्टी सेवन फाइव पर जो कि कंपनी के, के शेयर की मार्केट प्राइस है इसके बेसिस पर कंपनी थ्री रूपीज अर्न कर रही है अब प्राइस अर्निंग रेशियो जितनी ज्यादा होगी इन्वेस्टर उतना ही इंटरेस्ट लेंगे कंपनी में इन्वेस्ट करने पे अब इसी तरह से हम रिटर्न इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं तो अगर रिटर्न इन्वेस्टमेंट की बात की जाए ये एक ऐसी रेशो होती है जो कंपनी को ये बताती है कि कंपनी ने जो कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना गेन हो रहा है अब इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी अपने बिजनेस में जितना पैसा लगा रही है उसके बेसिस पर जो पैसा कमा रही है हम उसको रिटर्न इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैलकुलेट के कर सकते हैं अब कंपनी इस रेशो को इसलिए यूज करती है ताकि उसे पता चल सके कि क्या उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एफिशिएंट है या नहीं है तो एफिशिएंसी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए कंपनी रिटर्न इन्वेस्टमेंट रेशो का इस्तेमाल करती है इसके अलावा कंपनी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करती है कैलकुलेट तो कि किस तरह से किया जाता है तो यहाँ पे हमने क्या करना है इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आर ओ सी या रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय भी कहा जाता है इसमें हमने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से टेक्स के फिगर को एलिमिनेट करने के बाद कैपिटल इम्प्लॉयड से डिवाइड कर देना है अब लेट सपोज कि हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था वो था वन लैखी का और टैक्स को हम कह देते हैं कि टैक्स जो है वो फिफ्टी परसेंट था तो यहाँ पे हमने क्या करना है इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैपिटल इंप्लॉयड के साथ डिवाइड कर देना है लेट सपोज कि वन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज का कैपिटल इंप्लॉयड है और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा यहां पर ये आ जाएगा 75 परसेंट इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी जो एक लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है उसके बदले 75 परसेंट का कंपनी रिटर्न हासिल कर रही है तो ये हो गया हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब लेट सपोज ये एक है प्रोजेक्ट जिसे हम कह देते हैं कि ये प्रोजेक्ट ए है जिससे सेवेंटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है दूसरा जो प्रोजेक्ट बी है उसे हम कहते हैं कि उससे 60% परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है आप कंपनी देखेगी कि जिस जगह पर जिस प्रोजेक्ट में ज्यादा कंपनी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा कंपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देगी जिस तरह से यहां पे प्रोजेक्ट ए में ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो यहां पे कंपनी इन्वेस्ट कर देगी तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जान लिया कि मार्केट वैल्यू रेशियोस क्या होती हैं और कंपनी उनको किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है और उसके क्या क्या पर्पजेज हैं।